लेटेस्ट है, रिकवरी आप सबको पता है और ये तफ्तीश का पार्ट है, उसको हम लोग केस एफ आई में लाए हैं, रिकवरी को लाए हैं। एफ आई आर नंबर 5 है ऑब्लिक 2020 अंडर सेक्शन 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट, 3/4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और सेक्शन 18, 19, 20, 38, 29 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। उनका पहचान, उनका नाम तो एफ आई आर में ऑलरेडी है, देवेंद्र सिंह नाम उनका है। सर एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी थी क्या, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका साथ नेतृत्व के साथ अभी देखा गया एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो सकता था, कहीं एयरपोर्ट के अंदर भी अंदर जा सकते थे, हाई चेकिंग हो सकती थी क्योंकि ये खुद एंटी हाई चेकिंग में थे, इनकी तलाशी नहीं होती, आपको लग रहा है कि एक उस हिसाब से बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? देखिए जैसा मैंने पहले बोला आपको कि ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रहा है जिसमें हमारे सारे एजेंसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस आईबी रॉ सीआईडी सबको इन्वॉल्व किए, इसीलिए किए हैं क्योंकि मामला सेंसिटिव है कि हम कोई भी इसमें नहीं चाहता है कि कोई लूप होल रहा है इसमें, फुल प्रूफ। मिस्टर कुमार पुलिस ऑफिसर जयंत सिंह ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अफजल गुरु को टॉर्चर किया था और उसके बाद उनको बोला गया था कि आप एक लास्ट काम करके दिल्ली चले जाइए, उसके बाद आपसे आपके पास कोई टॉर्चर वगैरह हम नहीं करेंगे, और उनको जो पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व 5 मिलिटेंट थे उनमें से एक के साथ कांटेक्ट हुआ था और उसको गाड़ी खरीद के दी थी और वहाँ घर भी बना अरेंज करके दिया था। ये देवेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में मेरे साथ बोल चुके हैं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट रिकॉर्ड के बारे में उनका आपके रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है, कैन यू कंफर्म दैट? मेरे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है और आप जो बता रहे हैं तो उसको इंटरोगेशन में इस बात को ही पूछ लेंगे हम लोग, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। पिछले जो डेलीगेशन आई उसके साथ फोटो में भी है, जो ऑफिशियल फोटो रिलीज हुआ है वो उस फोटो में खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या इट कुड हैव टर्न्ड इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन फॉर द फॉरेन डिप्लोमेट्स हु आर हियर? देखिए उस टाइम वो लीगल बोनाफाइड ड्यूटी पर था और उस टाइम में हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, नहीं आप लोगों को था नहीं हम लोगों को था, तो जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो ड्यूटी पर है तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं इसको? सर आपने आपने बात की कि अभी तक मतलब ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रहा है लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि ठीक है उनको मिलिटेंट्स के साथ में पाया गया, लेकिन इंटेंशन क्या था, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, रीजन क्या था, कॉन्टैक्ट कैसे था, देखिए फ्रेंड्स आप लोग कल बहुत सारे लोग क्योंकि मैं 20 साल से कश्मीर हो तो मोर देन 300 मीडिया फ्रेंड मेरे हैं फोन कर रहे थे, मैं किसी को जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया कल जवाब कि जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लो पूरा डिटेल नहीं आ जाए तो नहीं बताना चाहिए, और अभी तक जितना मुझे चला पता उतना शेयर किया हूँ। सर प्रिलिमिनरी क्या है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, कि आखिर अगर कहाँ जम्मू जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे और कांटेक्ट कैसे, आने वाले आने वाले अगले दो दिन में मैं बताऊंगा जब मुझे इन्वेस्टमेंट का कुछ क्लू मिलेगा। आप लोग अभी जानते हैं कि आज भी ऑपरेशन चल रहा है, चला दिन भर, रात में हम लोग फिर करेंगे, जो जो ठिकाना हम लोग को मिला है आज भी करेंगे। नहीं ये जो ऑपरेशन अलग है, ये कोकरनाथ में हम लोग कॉटन के सर जारी है, हम लोग उसमें होपफुल है कि कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर इस केस में क्या क्या रिकवरीज हुई है और कहां से हुई है, जब पकड़े गए थे उनके पास से हथियार मिले हैं या अगर हथियार मिले हैं तो कहां से मिले हैं? इन्वेस्टिगेशन ये मेटर मिशन का है, आप लोग बाद में दो दिन बाद बताएंगे। But will you please describe what were these unlawful activities? If you were to count with the militants, was he going anywhere? Were they trying to carry any attack? मैंने आपको बताया कि सेक्शन भी पढ़ के सुना दिया आपको, उस सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन इज वॉइड एट प्रिलिमिनरी स्टेज
we should wait for it and we should, it is very premature to say anything right now. So and it is not, it is not appropriate to right now divulge anything because of the sensitive. Sir, ये ऑपरेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं चेन ऑपरेशन, मतलब हुआ कि ऑपरेशन त्राल का खत्म हो गया है, लेकिन जो कल का ऑपरेशन ये खत्म हुआ है, बहुत सारे लीड मिल रहे हैं, हम लोग ऑपरेशन पर लॉन्च कर रहे हैं एक कंट्री, और मैं अभी इसलिए शेयर नहीं करना चाहता हूँ खोज तक मेरा फ्यूचर पोटेंशियल ऑपरेशन हेम्पर हो जाए। देखिए बिल्कुल नहीं है इन्वॉल्वमेंट, आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जो नबीर भागा था पुलिस कांस्टेबल सही में था, लेकिन वह जून 2017 में भागा, ऑलमोस्ट आज से लगभग 2.5 साल हो गया है, और 2.5 साल से एक्टिव मिलिटेंट है, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है, मैंने आपको खुद बोला कि ये 18 FIRs के खिलाफ है जिसमें सीजीनियस क्राइम है, 302 का पर्चा है, 307 के FIRs के खिलाफ है पूरा, इसको पुलिस कैसे बढ़ेंगे? ये मेटर एडमिशन है, आप लोग शेयर करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने आप लोग फूल हुआ है किसी पुलिस, इसीलिए चूंकि हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं इसको ज्वाइंट इंडेक्स करा रहा हूँ जिसमें कि हर एक सिक्योरिटी फोर्स है कि कोई लूपहोल नहीं हो। ये अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा आपको। सर, क्या NIA की टीम ने आपको अप्रोच किया या आप NIA को अप्रोच करेंगे? NIA की भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट हो? J&K पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर NIA में डिप्रेशन करके आया है, J&K पुलिस में कोई स्किल का कमी नहीं है, एट पार NIA है। थैंक यू सर। थैंक यू।